वही फिलहाल है जो आप नेशनल हाईवे पर ये तस्वीरें देख लग रहे, जो दिल्ली से नरवाना की तरफ रोड जावे है उस हाईवे पर ये तस्वीरें है जो आप देख लग रहे हैं। रोड को बिल्कुल जाम कर दिया गया, दोनों साइड से रोड को बिल्कुल जाम कर दिया गया किसानों के द्वारा। क्या मामला है पूरा किसानों तो बात कराएंगे, दोनों साइड इमरजेंसी वाहन है जो केवल उनको एंट्री दी जा रही है, इमरजेंसी वाहनों को बिल्कुल जाने दिया जा रहा है, जो स्कूली बस है और एम्बुलेंस है उसको जाने दिया जा रहा है। आपने देखा भी होगा जो एम्बुलेंस को रास्ता इन्होंने दे दिया है, किसान बैठे हैं यहाँ पर, इन तो बात करेंगे कि पूरा मामला है जो कैसे क्या है, इन्हें रोड क्यों जाम करा है, किस वजह से जो इन्हें रोड जाम करा, बिल्कुल दोनों साइड का जो रोड जाम कर रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह जी। नेशनल हाईवे दोनों तरफ से जाम कर दिया, कारण क्या? कारण तो ये है भी जो आज का हमारा पंचायत थी ना, वो हमारी पंचायत 2 घंटे की थी, उस तो बाद प्रशासन अल्टीमेटम दिया था 2 बजे का भी, जा तो हमारी बात सुन लो, नहीं हम उस तो बाद अगला एक्शन लवेंगे। वो बात सुन नहीं आए, हमारी संस्था ने जो हमारे आगू थे उन्होंने मीटिंग करके ये फैसला ले लिया तो हम भी इसमें 3 घंटे वास्ते रोड रोकेंगे, उस तो बाद कोई प्रशासन कोई बात करता है कोई बात सुनता है वो उन्होंने बात भी चलावेंगे, उस तो बाद अगला फैसला जोड़ा वो 2 घंटिया बाद जो कमेटी साड़ी आगू प्रधान ने फैसला लेंगे उस पर फैसला होगा। मांगे क्या फिलहाल आप? मांगे तो जो हमारे 3 किसान 28-29 दिन हो गए उन्होंने बिना वजह से जेल में डाला गया, उन पे 307 का केस लाया गया, 29 किसान थी, कोई उन्होंने वे कोई असला नहीं था, कोई संद नहीं था, कोई हथियार नहीं था, उन्होंने पे ला के 302 का केस उन्होंने जेल में डाला गया। एक हमारा किसान उनके बिचों मरतन वर्त भी बैठा है, उसकी हालात बहुत खराब है, उनकी आवाज उठाने वास्ते उस प्रशासन एक दसन वास्ते उनका कसूर क्या है, उन्होंने अंदर कैसे डाला गया है, उन्होंने हरिया करने वास्ते आज का ये पंचायती पंचायत में कोई बातचीत नहीं हुई, उस तो बाद असं रोड पर आ गए, रोड जाम कर लिया, वो वाला फैसला जो जो साड़ी लीडरशिप करेगी उस पर आगे दसा जाएगा। तो देखो भाई ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बहस भी चिढ़ गई है किसानों के बीच में और जो या वाहनों को जो यात्रियों के बीच में कहीं ना कहीं बहस भी चिढ़ गई, आप देख लग रहे हो जो दोनों साइड का रोड है बिल्कुल जाम कर दिया है, किसी भी वाहन को है जो एंट्री नहीं दी जा रही, और महिलाओं तो भी हम बात करेंगे भाई, और महिलाएं की तरफ मैं जो लेकर चलूँगी, आपने बिल्कुल दोनों तरफ से है जो रोड को जाम कर दिया है, आप जो वाहन देख लग रहे हो नेशनल हाईवे की तस्वीरें है जो आप देख लग रहे हो, फिलहाल खटखड़ गाँव में है जो रोड को बिल्कुल जाम कर दिया है, और वाहन है जो वाहनों की वापसी है जो फिलहाल होने लग रही है, किसी और रास्ते तय है जो ये वाहन अपने लेकर जाएंगे, और जो इमरजेंसी वाहन है उनको एंट्री दे दी गई है, और जो स्कूली बच्चे हैं एम्बुलेंस को है जो ये निकलने दे रहे हैं। इस साइड में देखो आप, दूसरी तरफ देख लग रहे हो आप, जो महिलाएँ हैं रोड के बिल्कुल बीच में बैठ गई हैं, और महिलाओं तक भी बात करांगी कि जो किसानों की रिहाई की है जो फिलहाल मांग करने की, कितने दिन है जो किसानों ने आज हो गए हैं, और पूरी बात है जो इन्हें तो करेंगे भी एक बार। अनिता बेबे हमारे गल मौजूद है, अनिता बेबे तो बात करेंगे, ठीक है। तो खटखट गांव में जो रोड को जाम कर दिया गया, कारण क्या है? अनीश खटखट की रिहाई को लेकर जो 35 दिन से अमरण अनशन पर जेल के अंदर बैठे हैं, 35 दिन हो गए, प्रशासन वो काम हो रहा है, प्रशासन तारीख पर तारीख दे रहा है, ये 19 तारीख से चल रहे हैं, 19 तारीख तक आज तक एक हफ्ता का टाइम दे, एक हफ्ता का, और प्रशासन ये भी एरिया मना लग गया है, एक हफ्ता का टाइम ये भी मिलेगा। हमने क्या करना है, बस अनीश खटखड़ को रिहा करो, हमने टेंशन है, छोटा सा छोरा है नू बताओ, 35 दिन हो गए, करना उसका किमें हो गया, तो इस मामे तो इस समाज ने मुँह दिखाने जोगे रहा कौन की, क्यों हमें गणे से ज़्यादा समाज के ठेकेदार बन गए, भाई हमें नू कर देंगे, लेकिन मन तो ये लग गया भाई, मैं सच्चाई कहूँ हम बेबस हो रहे हैं, जमा बेबस, एक डर तो हमने समाज का है, दूसरा डर हमने भाई का है जो हमारा अनशन पे बैठे है, जे कल ने कुछ हो गया ऊपर तो लोग हमने नू कहता, हमें नू नहीं कर दे, मैं सब तो हाथ जोड़ के नू कहूँ, सबसे जरूरी है भाई की जान, ये 35 दिन हो गए उसने कल ने, चल उसने प्रशासन जिंदा तो रख लेगा, क्योंकि बोतल बातल लगाने लग रहे हैं, मेडिकल देने लग रहे हैं, जे उस भाई का कोई अंग खराब हो गया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और ना मरने वाले में और ना जीने वाले में, मैं तो प्रशासन से भी कहूँ उसका कोई कसूर नहीं, जो इस केस में
जमा सीधी कहूँ बेसंग बुरा लागो, जो इस केस में मैन है वह तो सरेआम घूम रहे हैं और इस भाई का कोई कसूर नहीं, यू जेल में डाल रखा है। इसका मतलब प्रशासन तो जो चेहरे बन गए उनते तो छेड़ते को नहीं, और जो किसान मजदूर के लिए लड़न लग रहे हैं उनते जेल में डालने का काम करें। इस तानाशाही में तो वह तानाशाही रहेगी। किन धाराओं के चलते है जो इस खटखट को उठाया गया पुलिस ने? भाई पे 11 धारा लग रही है, 307 तक लग रही है। मैं तो कहूँ 11 के बजाय 12 कर देंगे, 302 और लै देंगे, कम से कम हमें सबूत मांगने चुकर हो जाते। लेकिन धारा ही नहीं सी लगा दी अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से सारे काम करके धारा ही सी लगा दी, हम सबूत भी नहीं मांग सकते। और मैंने कहूँ बताओ उसका कसूर क्या था? उसने एक गरीब मजदूर किसान की आवाज़ उठाई थी और इस करके ने ये देख लिया भाई खटखट टोल मजबूत है और खटखट टोल पे भाई अनीस जो आज हो रहा है नी, जब भाई नहीं सौंधा नहीं यू को नहीं हुआ था भाई, वो उसमें इतनी ताकत थी वो एक जगह सारे ने बिठा देता। आज मैं ना अपना आप में इतनी बेबसी लग गया कि हमारे साथ वो के रहा। बताया गया कि अनशन पे बैठे हैं अनीस खटखट? अनीस खटखट अनशन पे बैठे हैं। मैंने 31 दिन हुए थे उस दिन गुरु नाम सिंह चडूनी खुद मैंने फोन करके बुलाए थे कि भाई प्रधान जी आप आओ और हमारे भाई अनीस खटखट का अनशन तोड़वा दो। बस मेरी आप तरीके के अंदर कैसा क्या माहौल था अगर कोई मिलन गया तो? देखो जेल के अंदर इनका परिवार की भी मिलाई। नमस्ते। नमस्कार जी। नाम क्या जी? सुहेत है जी। तो कैसा क्या माहौल था? ना जी कुछ नहीं, तबीयत ज्यादा डाउन है और बिल्कुल चल भी नहीं सकते, काफी कमजोर हो चुके हैं। आज कितने दिन हो गए उनको? 35 दिन हो गए जी। 35 दिन से बिल्कुल अनशन पे बैठे? हाँ जी। तो किसी ने समझाने की कोशिश वगैरह नहीं करी है जी? फिर कौन जी उस कोई फर्क पड़े समझाने की तो बहुत कोशिश करी। तो अभी जो नेशनल हाईवे आपने रोड जाम कर दिया है बिल्कुल, कब तक करेंगे? देखो जी वो तो इसका कमेटी का फैसला कब तक ये होगा। तो भाई और भी महिलाएं मौजूद है यहाँ पर, इन तो बात करांगे और बुजुर्ग भी मौजूद है, किसान भी मौजूद है, सभी तो बात करांगे। और नेशनल हाईवे को जो रोक दिया गया और प्रशासन भी है जो आप देख लग रहे हो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गया है, रोड को जो रोड जाम है जो बिल्कुल कर दिया है, नेशनल हाईवे को बिल्कुल जाम कर दिया और साधनों की है जो वापसी करवाई जा रही है और जो नेशनल हाईवे को खुलवाने के लिए बिल्कुल प्रशासन है जो आप देख लग रहे हो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गया है। एक तरफ है जो महिलाएं और दूसरी तरफ है जो पुरुष बैठ गए हैं। रोड को बिल्कुल नेशनल हाईवे को बिल्कुल जाम कर दिया गया है भाई। इन तस्वीरों में बस इतना ही, इन तस्वीरों को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, आगे की अपडेट भी है जब मैं आपने लगातार दे रहूँगी। इन तस्वीरों में बस इतना ही।